नमस्कार, आपका स्वागत है द इन्फो क्लब में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। पिछले अध्याय में हमने देखा था नरेंद्र मोदी का प्रारंभिक जीवन, आज हम देखेंगे उनके आगे का सफर। 1970 के शुरुआत में ही नरेंद्र मोदी हिंदुत्ववादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पूरी तरह जुड़ गए और सक्रिय भूमिका में आ गए। इसी दौरान उन्होंने आरएसएस के छात्रों की एक इकाई का गठन किया जिसका नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, इसे हम एबीवीपी के नाम से भी जानते हैं। संघ के भीतर उन्होंने काफ़ी तरक्की की जिसका फायदा उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में बखूबी मिला। सन 1985 में वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। यहाँ से शुरू होता है मोदी के राजनीतिक जीवन का फला फूला सफर। इसके बाद तो बस वे सफलता की सीढ़ियाँ ही चढ़ते गए। पार्टी को मजबूत करने में मोदी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्हें गुजरात भाजपा का महासचिव भी बनाया गया। आगे की कहानी और भी रोचक है। अगले अध्याय में हम देखेंगे मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री कैसे बने और उनका कार्यकाल कैसा रहा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप देखते रहिए द इन्फो क्लब। धन्यवाद।